हाँ इंग्लिश होनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि ग्रामर वाले सर भी है कभी कभी आते हैं पढ़ा कर चले जाते हैं, मतलब रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं। नहीं ये सही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग अलग देश में जाएंगे तो वहाँ का अगर लैंग्वेज थोड़ा आएगा तो हम ही लोग के लिए फ़ायदा है, तो ये तो नुकसानदायक है, ये हम सही नहीं इसको बोलेंगे। इंग्लिश आनी जरूरी है, ये जरूरी है, स्कूलों को सिखाना चाहिए इंग्लिश में। हाँ सिखाना चाहिए इंग्लिश स्कूलों को भी। नमस्कार, मैं हूँ सान्य राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका कहना है कि बच्चों को, बिहार के बच्चों को हिंदी में पढ़ाई करनी चाहिए, हिंदी ही पढ़ना चाहिए, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं जब कंपटीशन की बात आ जाती है तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इंग्लिश में बोलने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में हम लोग बच्चों से जानते हैं कि आखिर उनकी पढ़ाई किस भाषा में हो रही है और वो पढ़ना किस भाषा में चाहते हैं, क्या वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या नहीं, क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, और ये जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, चलिए उनसे जानते हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले आपकी जो पढ़ाई होती है किस भाषा में होती है? हिंदी मीडियम, हिंदी में। हिंदी में? हाँ। इंग्लिश पढ़ाया जाता है? हाँ इंग्लिश पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ पढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करना है, हिंदी में पढ़ाई करना है केवल। तो हिंदी ही होती है, हर सब्जेक्ट हिंदी में रहती है, पर इंग्लिश में एक ही बुक है तो इंग्लिश कम ही पढ़ाई होती है, ज़्यादातर हिंदी पढ़ाई होती है। और इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है? नहीं इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ हिंदी बुलवाया जाता है। हाँ बोला जाता है हिंदी में बात करने के लिए। हाँ तो क्या आप लोग को कोई इंग्लिश बोलने का शौक है कि नहीं? हाँ है। आप लोग बोलना चाहते हैं? हाँ बोलना चाहते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हिंदी में बात करना ही गलत है ना? हाँ ये गलत बात है, इंग्लिश भी सीखना चाहिए। इंग्लिश सीखना चाहिए क्योंकि बाहरी बच्चे तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप लोगों का भी मन होता होगा कि आप इंग्लिश में बात करें। हाँ किस भाषा में पढ़ाई होती है? हिंदी में। हिंदी में भाषा में पढ़ाई होती है। इंग्लिश बोलना चाहते हो? चाहते हैं। चाहते हो टीचर इंग्लिश में पढ़ाए? हाँ इंग्लिश में नहीं पढ़ाते टीचर? पढ़ाते हैं इंग्लिश में पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं खाली इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में बात करने को भी बोलते हैं? करने को बोलते हैं, इंग्लिश में बात भी करने को बोलते हैं। किस भाषा में पढ़ाई होती है तुम्हारी? इंग्लिश भाषा में होती है। पहले हिंदी में होती है, फिर इंग्लिश। इंग्लिश में भी होती है? इंग्लिश में सर सिखाते हैं बोलने के लिए? मैम सिखाती है इंग्लिश में बात करने को। हाँ क्या चाहते हो कि ऐसे बच्चों के बाकी बच्चों के साथ भी तुम भी इंग्लिश में बात करो सबसे? हाँ चाहते हो, क्या बनना चाहते हो तुम? हम नहीं पता, अभी नहीं पता है, अभी नहीं पता। तुम क्या बनना चाहते हो? आगे जाके सोचेंगे हम। अच्छा बच्चों तुम लोग क्या बनना चाहते हो? हम बड़ा कर फौजी बनेंगे। फौजी बनोगे? अच्छा तुम लोगों की पढ़ाई किस भाषा में होती है? हिंदी भाषा। सर लोग इंग्लिश में बात करने को बोलते हैं? हाँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं तुम लोगों को? इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तुम लोगों से? करते हैं। हाँ सच में? सच में अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री कौन है पहले ये बताओ? मुख्यमंत्री हाँ, तुम्हारे टीचर ने क्या बताया कि मुख्यमंत्री कौन है हमारे? नहीं पता टीचर नहीं बताते हैं? बताते हैं भूल जाते हैं। अच्छा भूल जाते हैं। किस भाषा में होती है? बहुत ही अच्छी होती है। कौन सी भाषा में होती है? हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है। ज्यादातर किस भाषा में होती है? ज्यादातर हिंदी भाषा में होती है। हिंदी भाषा में होती है। तो इंग्लिश पढ़ाया जाता है आप लोगों को? इंग्लिश लैंग्वेज में बात की जाती है आप लोगों को? यस की जाती है। आपको इंग्लिश बोलना आता है? इंग्लिश तो ऐसे हम बोल नहीं पाते हैं। अच्छा आप अगर बड़े होकर बनना चाहें तो क्या बनना चाहेंगे? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनने के लिए भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, जब डॉक्टरी की पढ़ाई स्टार्ट होती है हिंदी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे में आप लोगों को हिंदी ज़्यादा पढ़ाया जाता है और इंग्लिश कम पढ़ाया जाता है, तो क्या लगता है ये सही है या गलत? जैसे कि घंटी लगते हैं, घंटी के अनुसार सब विषय का पढ़ाई होता है, हिंदी होता है तो हिंदी का और इंग्लिश होता है तो इंग्लिश का। तुम लोगों की पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है? बहुत अच्छी हिंदी में, जो हम लोग को समझ में आया। हाँ इधर इस साइड आओ लग जाएगी। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि तुम लोग आगे जाके क्या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना चाहते हो? एकदम। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई जो होती है हिंदी लैंग्वेज में होती है। हाँ टीचर्स क्या इंग्लिश लैंग्वेज बताते हैं, बात करते हैं आप लोगों से? नहीं करते हैं। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नहीं। क्या बोलते हैं कि हिंदी में ही बात करना है, हिंदी में नॉर्मल बोलना? नहीं इंग्लिश वाले टीचर इंग्लिश मतलब इंक्लूड करके बताते हैं जैसे हम लोगों को, लेकिन बताते हिंदी में ही है ना। इंग्लिश लैंग्वेज को भी हिंदी में समझाते हैं। तो आपको अगर आगे पढ़ना है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगी तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन में तो आप लोगों को इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा, तो ये तो गलत है ना। यहाँ पे आप लोग अगर सीखेंगी तभी आगे बोल पाएंगे ना इंग्लिश। हाँ, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं हिंदी में ही पढ़ाई करना है, हिंदी में ही बात करनी है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, और खुद इंग्लिश पढ़ाई की है। हिंदी के साथ साथ हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। जरूरी है तो क्या चाहती है कि हाँ इंग्लिश हाँ होनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि ग्रामर वाले सर भी है कभी कभी आते हैं पढ़ा कर चले जाते हैं, मतलब रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं। रेगुलर नहीं पढ़ाते हैं। आपका क्या कहना है? हमको भी हिंदी इंग्लिश सीखना है। आपको भी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा है, चाहती है कि हाँ मुख्यमंत्री जी कहे कि हाँ सब गवर्नमेंट स्कूल में भी इंग्लिश की पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश से इंग्लिश में बात करनी चाहिए। यस आते हैं। आपको भी हाँ। लगता है? अच्छा आपको क्या लगता है आपकी किस भाषा में पढ़ाई होती है? मैम हिंदी। कौन सी क्लास में है आप? 12th में है। यस इंग्लिश में आपकी बात नहीं होती है? इंग्लिश में कोई बात नहीं, इंग्लिश वाली मैम आती थी इंग्लिश में बात करती, हिंदी वाली मैम आती थी हिंदी में बात होता है। तो बोलती नहीं कि इंग्लिश में तुम लोग बात करो। हाँ तो नहीं सिखाया जाता। हाँ नहीं सिखाया जाता है, बस आती है समरी लिखवा देती है और समझा देती है हिंदी में। तरीका अलग अलग होता है ना, तो वो अलग। अब तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि नहीं केवल हिंदी ही पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है। ये गलत है। हाँ ये गलत है, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश पढ़ेंगे तभी हम लोग आगे जाके कुछ समझ में आएगा, हम लोग कर सकते हैं कुछ भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ ऐसे तो हम इंटर कंप्लीट होने वाला है 2-3 महीने में, उसके बाद ये सोच रहे यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इंग्लिश भी लैंग्वेज आना चाहिए, तो आप लोगों की पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है? वैसे तो सारा ही लैंग्वेज, जैसे मेरा सब्जेक्ट ही आर्ट्स है तो नॉर्मली हम लोग का पढ़ाई हिंदी में ही होगा, तो और प्लस हम हिंदी मीडियम से मतलब स्टार्टिंग में प्राइमरी में इंग्लिश मीडियम था, अब तो हिंदी मीडियम हो गया इसलिए सब हिंदी में ही होता है। लेकिन बात ये है बाबू कि अभी जो पढ़ाई हो रही है, जैसे एक मुख्यमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हिंदी में ही पढ़ाई करना है, हिंदी में ही हो रहा है और बस इंग्लिश में हो रहा है, इंग्लिश में, और इंग्लिश की कहानियाँ हिंदी में समझाई जाती हैं क्या? नहीं इंग्लिश में ही होता है, उसके बाद हिंदी कन्वर्ट कर दिया जाता है। हिंदी कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसका मतलब आप लोगों को इंग्लिश सिखाया नहीं जा रहा है बोलने के लिए? नहीं स्पीकिंग नहीं हो रहा है। और ग्रामर वाले सर आते हैं? हाँ ग्रामर वाले आते हैं, ये हो रहा है। पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश बोलना बताते हैं? हाँ जैसे कि टेंस वगैरह सब वो लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए, हिंदी तो सही है क्या? ये नहीं, ये सही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग अलग देश में जाएंगे तो वहाँ का अगर लैंग्वेज थोड़ा आएगा तो हम ही लोग के लिए फ़ायदा है, तो ये तो नुकसानदायक है, ये हम सही नहीं इसको बोलेंगे। और जो बिहार के बच्चे हैं उन लोग को ऐसे भी कम आंका जाता है कि नहीं? तो बिहार के बच्चों को कम आंका जाता है और हमेशा ऐसे नीचे दिखाया जाता है कि बिहार के बच्चे जो हैं उनको हिंदी बोलनी आती है, सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। सीबीएसई के बच्चों के सामने अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ जाते तो बात नहीं कर पाते, ऐसे में तुमको क्या लगता है कि ऐसे तुमको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए? जी आनी चाहिए, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं हो रही है उस हिसाब से, बिल्कुल नहीं हो रही है, नहीं सिखाई जा रही है। नहीं उस हिसाब से नहीं सिखाई जा रही है। क्या लगता है आपको कि क्या सिखाना चाहिए स्कूलों में? जी सिखाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो साफ कह दिया है कि नहीं हम नहीं सिखाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अलग जगह पे मतलब अलग देश में जाएंगे तो फिर हिंदी तो बोल नहीं पाएंगे, तो इंग्लिश में तो आना चाहिए ना, मतलब जितना आना चाहिए उतना तो आना चाहिए ना। आपको किस भाषा में पढ़ाया जाता है? हमको इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है? नहीं नहीं हिंदी में पढ़ाया जाता है और बाकी सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। कौन से स्कूल में आप? यही मैम DPS मिलर हाई स्कूल। मिलर हाई स्कूल में, लेकिन यहाँ के बाकी बच्चे तो कह रहे हैं कि उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है। मैम जिसको जैसे मैम पढ़ना है उसी तरह पढ़ाया जाता है। टीचर्स कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं? टीचर्स हिंदी में मैम। हिंदी में पढ़ाते हैं, और आपको क्या लगता है कि जब टीचर्स हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश कैसे बोलना सिखाते हैं आप लोगों को? बोलने मैम समझ में तो पहले आ जाए। समझ में भी नहीं आता है? समझ में मतलब इंग्लिश सबको समझ में थोड़ी ना आएगा क्लास में जितना बच्चा है, तो हिंदी पहले हिंदी में ही समझा देती है उसके बाद आप ना बोलिएगा। लेकिन इंग्लिश समझने के लिए भी इंग्लिश में बताना पड़ता है, इंग्लिश को बताने तोड़ तोड़ के बताया जाता है, तब जाके इंग्लिश इंसान सीखता है। yes, तो वो चीज़ सिखाया जा रहा है। yes, करना क्या बनना चाहते हो तुम? हम तो पढ़ लिख कर बनेंगे इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? तो इंजीनियर बनोगे तो इंग्लिश में पढ़ोगे कि हिंदी में पढ़ोगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग तो इंग्लिश में होती है ना? यस। तो इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, इंग्लिश समझ में आता है? पढ़ाई होती है लेकिन कुछ कुछ समझ में आता है। अच्छा ये बताओ कि इंग्लिश में पढ़ाई होती है कि हिंदी में?
इंग्लिश में हिंदी में दोनों में होती है, जो भी हम समय कंफर्टेबल होते हैं वो सर मैम पढ़ाती है। अगर इंग्लिश में समझ में आपको आ रहा है तो हम इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, और इंग्लिश बोल के भी हिंदी में उसका मीनिंग बता दिया जाता है, हिंदी में उसका मीनिंग बता दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है बिहार के, वो कहते हैं कि नहीं सिर्फ हिंदी पढ़ाना है, हिंदी में बात करना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है बच्चों को, तो ये सही है? नहीं सही है कैसे, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर तो जरूरी नहीं है कि हिंदी हम सब पढ़े, इंग्लिश भी सीखेंगे ना थोड़ा सा। अगर यहाँ जो अभी मतलब बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम के सिर्फ वही इंग्लिश बोल सकते हैं, हम सब गवर्नमेंट के हमसे कोई थोड़ा सा बोलना चाहिए, इंग्लिश सीखना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं, अगर हम सब सीखेंगे तो कहाँ कॉलेज के लिए हम सब पैसा, अगर पैसा देना है तो कॉलेज ही पढ़ते हैं, सरकारी नहीं है मतलब प्राइवेट में पढ़ते हैं हम। इंग्लिश सीखना ना हम सबको, हल्का सा भी बोलना है ना, कहीं भी अगर कुछ भी होगा तो थोड़ा सा इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा, हाँ हेलो और समझना चाहिए क्या पूछ रहा है ये। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप कंपटीशन आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में आपको इंग्लिश आनी चाहिए? हाँ इंग्लिश आनी जरूरी है, ये जरूरी है। स्कूलों को सिखाना चाहिए इंग्लिश में? हाँ सिखाना चाहिए इंग्लिश स्कूलों को भी। तो आपने अभी सुना कि हाँ बच्चों का क्या कुछ कहना था, बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि नहीं उन्हें भी इंग्लिश सीखनी है। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने जो ये कहा है कि नहीं बच्चों को हिंदी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। बच्चों का साफ तौर पे कहना है क्योंकि बच्चों को जब कॉम्पिटिशन देना है और आगे कहीं कहीं जाते हैं किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे में बच्चों को इंग्लिश सीखना है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, इन्होंने सब कुछ बताया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।